नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल। दोस्तों, कई बार सवाल उठते हैं कि हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया है बिल्डर के साथ, लेकिन हम फंस गए हैं और जो अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही हमें दबाने वाले कंडीशंस हैं। ऐसे कंडीशंस हैं कि हम अब रियलाइज कर रहे हैं कि ये टाइप के जो पेमेंट कंडीशंस हैं जिनको हमने साइन किया है, रजिस्टर कर चुके हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुके हैं, अब क्या करें। और उसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिससे हमें अब घबराहट होने लगी है, हम डरने लगे हैं। तो अग्रीमेंट के माध्यम से हमें दबाया जा रहा है और ये अनफेयर है। तो इस तरह के मेरे पास कई बार कॉल आते हैं और सवाल ये होता है कि हमने तो अग्रीमेंट साइन कर दिया है तो क्या हम बंधे नहीं हैं? क्या हम अभी भी आजाद हैं, मुक्त हैं? अब इस सवाल का मैं आज विस्तार में जवाब देना चाहता हूं। तो लास्ट सवाल था कि क्या हम आजाद हैं और मुक्त हैं, और उसका जवाब है आप आजाद तो नहीं हो, आप मुक्त तो नहीं हो, लेकिन आप मुक्ति के तरफ बढ़ सकते हो, आप लड़ सकते हो और आपके लिए उम्मीद है, देयर इज होप। लड़ने से आपको छुटकारा मिल सकता है, लेकिन लड़ने के तरीके से लड़ना पड़ेगा और समझदारी के साथ लड़ना पड़ेगा और टेक्निक और टैक्टिक्स के साथ लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अंधाधुंध लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, जोश के साथ में होश का होना जरूरी है। होश और टेक्निक और जोश, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन हुआ और थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा लक, ये सभी का अगर एक कॉम्बिनेशन होता है तो आप जीत सकते हो। आपको आपके जीतने की हर संभावना है और आपका जो अग्रीमेंट है वो उसे कैंसिल करवाने की का बहुत ही ये पॉसिबल है, ये कर सकते हो। कैसे और क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट तो एक बंधन है, तो बंधन से छूट सकते हो ऐसे मैं कहता हूं, तो किस हिसाब से मैं कहता हूं? तो दोस्तों, ये बात को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, कायदे कानून की भाषा में मैं आपको समझाता हूं। और जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से कायदे कानून के भी दो पहलू होते हैं, हर अग्रीमेंट के भी दो पहलू होते हैं, दो फेसेस होते हैं। तो वो फेसेस क्या हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक साइड से मैं पहले आपको नेगेटिव बता दूं, तो नेगेटिव ये है दोस्तों कि आपने अग्रीमेंट जब साइन किया है तो एक कायदे कानून में डिफॉल्ट पोजीशन बन जाता है कि ये सही है। आपने अग्रीमेंट को सोच समझकर पूरे होश में साइन किया है और उसके हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी लिखा हुआ है, यानी गलत हो, अनफेयर हो, जैसे भी हो, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट किया है, उसे कबूल किया है। तो फिर हम उसे कैसे कैंसिल, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये अनफेयर है वगैरह, जब आपने एक्सेप्ट किया है? तो ये नॉर्मल स्टैंड होता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में आपको प्रूफ करने का मौका मिलेगा कि जो ये अग्रीमेंट है ये अनफेयर है, ये एक तरफा है, ये हमारे लिए घातक है। और कायदे कानून की भाषा में ये टाइप का अग्रीमेंट कम से कम उन क्लॉजेस के हिसाब से वॉइड है, यानी वो जो क्लॉजेस हैं, उन जो अनफेयर हैं आपके लिए, जो एक तरफा हैं, उतने तो रद्द होने चाहिए। ये आप आर्ग्यू कर सकते हो और सक्सेसफुली प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, आर्ग्यू करना है तो एक ही चीज को लेके मत लड़ो, सिर्फ कोर्ट में जाके मत लड़ो, कोर्ट में भी लड़ो,
पब्लिक डोमेन में भी लड़ो। पब्लिक में लड़ना मतलब सोशल मीडिया करना, प्रोपेगेंडा करना, लड़ना, जैसे वीडियो बना के मैं लड़ता हूं उस तरीके से लड़ना। तो ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको बिल्डर के ऊपर प्रेशर डालना है, नहीं तो क्या होगा, आप केस दर्ज करोगे और वो केस कोर्ट में सड़ते रहेगा, क्योंकि बिल्डर के पास ऐसे कई सारे तौर तरीके हैं जिससे वो केस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। वो एडजर्नमेंट ले लेगा, उसके वकील बहुत पावरफुल हैं तो वो, यानी वो जो जहां पे डेट्स पढ़ते हैं ना, उस डिपार्टमेंट में जाके वो लोग कुछ ना कुछ करवा देते हैं, तो डेट्स पड़ेंगे ही नहीं, सालों साल डेट नहीं पड़ेंगे। तो ये टाइप के काम वो करवाते हैं, और जजेस को भी मैनेज किया जाता है, ये एक हकीकत है, कड़वा सच है। जुडिशरी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि जजेस को मैनेज किया जाता है, डेट्स को मैनेज किया जाता है। अंदर 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 खाने से बहुत कुछ हो सकता है, आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, और बिल्डर्स और बिल्डर्स के वकील ये सब करने में माहिर हैं। तो इसलिए आपको उनके ऊपर प्रेशर लाने के लिए पब्लिक में जाना जरूरी है, सोशल मीडिया करना जरूरी है, और ये गैर कानूनी नहीं है। सोशल मीडिया करना, पब्लिक में जाना, पब्लिक को समझाना कि समस्या क्या है, केस क्या है, केस किस लिए आप फाइल कर रहे हो, आप क्यों उलझ रहे हो, आप क्यों लड़ रहे हो, एज अ कस्टमर आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो बिल्डर है, वो उसके ऊपर आपका टीका टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। हाँ, बिल्डर ये जरूर कह सकता है कि ये डिफेमेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कहने दो। अगर कोर्ट में गया तो लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, लड़ने का साहस होना चाहिए, लड़ने का वो अग्रेशन होना चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर वो अग्रेशन अगर है तो बाकी सब कुछ हो सकता है। और ये मैं अपने अश्योरेंस से कह रहा हूं कि अगर तरीके से लड़ोगे, समझदारी के साथ लड़ोगे, टेक्निक के साथ लड़ोगे, तो जीत सकते हो। आपका चाहे अग्रीमेंट क्यों ना हो गया हो, आपके अग्रीमेंट क्या, आपका बहुत सारा डिसबर्सल भी अगर हो जाता है तो भी आप लड़ सकते हो। यानी लोन डिसबर्सल हो गया है, 20-30-50 लाख 1 करोड़ का डिसबर्समेंट हो गया है, बिल्डर के पॉकेट में पहुंच गया है, मुश्किल है ये लड़ाई, लेकिन अगर आप मुश्किल लड़ाई के लिए तैयार हो तो नामुमकिन नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको समझाता हूं कि अग्रीमेंट के क्लॉजेस किस तरह से उलट दिए जाते हैं कोर्ट में, यानी उनको अनफेयर कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो पहली बात दोस्तों, मैं आपको ये दिलाना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि अग्रीमेंट के जो क्लॉजेस हैं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है, वो गॉस्पेल नहीं है, उसको गैर कानूनी साबित कर सकते हैं। तो आपको एक टेस्ट केस देता हूं। हमेशा मैं दोस्तों थोड़ा सा सेक्सिस्ट टाइप के ये डाल देता हूं, शायद इसलिए क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी है। अब जो भी हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैं हमेशा दोस्तों को ये एग्जाम्पल दिया करता हूं। अगर बिल्डर ने ऐसा शर्त रख दिया इन द रजिस्टर्ड अग्रीमेंट कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया और अग्रीमेंट का खंडन किया, अग्रीमेंट को डिसऑनर किया, तो आपकी पत्नी डायरेक्टर यानी कि बिल्डर के साथ जाके सोएगी। ये टाइप का अगर एक क्लॉज रख दिया और आपने साइन कर दिया है एज अ बायर, एज अ फ्लैट बायर, क्या ये क्लॉज एनफोर्सेबल हो सकता है? क्या इस क्लॉज को अमल करने के लिए आपके ऊपर जोर लगाया जा सकता है? हमेशा जब मैं ये पूछता हूं मर्द से या औरत से, तो जवाब आता है नहीं, ऐसा क्लॉज एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लोगों के पास एक इंस्टिंक्ट है कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों है, आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो कि ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता है? तो फिर वो कहते हैं, हां ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज को यानी ये तो गैर कानूनी हो गया ना, कि आप किसी को ऐसे मजबूर करो कि अपनी बीवी को
बिल्डर के पास भेज दो वगैरह, ये गैर कानूनी हो गया, तो ये कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? तो मैं कहता हूं एग्जैक्टली, कोई भी गैर कानूनी क्लॉज, कोई भी क्लॉज अगर है उसको कानून के मापदंड पर खरा उतरना जरूरी है, इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ लॉ। अगर आप इसे प्रूव कर सकते हो कि यह गैर कानूनी है, ये ज्यादती है, ये कायदे कानून के हिसाब से नहीं है, ये फेयरनेस और इक्विटी यानी कि जो एक प्रिंसिपल है कि सबका एक बराबरी का हक होता है, बिल्डर और बायर का जो पलड़ा है वो भारी, एक का पलड़ा ज्यादा भारी नहीं हो सकता है दूसरे से, करीब करीब सेम होना चाहिए, वो होता है अग्रीमेंट। तो इस तरह से अगर वो अनफेयर वन साइडेड अग्रीमेंट है एक तरफा, तो आप उसका खंडन कर सकते हो कोर्ट में, और कोर्ट जाने से पहले भी कर सकते हो आप उसको, यानी बिल्कुल ही क्या कहते हैं, डिसऑनर कर सकते हो ऐसे अग्रीमेंट को। तो अग्रीमेंट को डिसऑनर करना भी एक कला है, उसको कैसे डिसऑनर करना है, किस एंगल से डिसऑनर करना है, कहां से उसकी कमजोरी है, उस कमजोरी पे कैसे चोट करना है, ये भी एक कला है, इसमें एक समझदारी है। लेकिन उस समझदारी के साथ अगर आप करोगे तो आप जीत सकते हो। तो दोस्तों, आप समझो एक अग्रीमेंट के अंदर आ गए हो, बंधे हुए हो, और बिल्डर आपके ऊपर, एक एग्जाम्पल देता हूं कि धड़ाधड़ पेमेंट डिमांड्स डाल रहा है, एक भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, खाट 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 भेज रहा है, और पेनल्टी चार्जेस ये वो सब डाल रहा है, आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, आपके छाती पे आ रहा है, आप उसको बेयर नहीं कर सकते हो, और उसने ऐसे क्लॉज भी लिख दिया है कि मैं कभी भी किसी भी पेमेंट कर सकता हूं, चार्ज कर सकता हूं, इंटरेस्ट चार्जेस कर सकता हूं, आपने टैक्स के लिए पेमेंट दिया तो उसको भी मैं इंटरेस्ट की तरफ एडजस्ट कर दूंगा, ये टाइप के उसने भयंकर क्लॉजेस डाल दिए होंगे। क्यों डालते हैं? ताकि आप लड़ ना सको, आपके हाथ पैर को बांधने के लिए ये सारे क्लॉजेस डाले जाते हैं, कि आपका मुंह बंद हो जाए, आपके ऊपर पूरा हावी होने के लिए। लेकिन हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि कायदे कानून आपको एक हक देते हैं जो इनएलियनेबल राइट है। इनएलियनेबल का मतलब ऐसा हक जो आपसे लिया नहीं जा सकता, आपने अगर साइन भी किया होगा ना तो भी आपसे लिया नहीं जा सकता है। तो एक राइट होता है द राइट टू रेज अ डिस्प्यूट, आपका और बिल्डर का जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो रिश्ता है वो एक लंबे समय का रिश्ता है, कभी कभी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल का वो अग्रीमेंट का स्पान रहता है। जब तक वो बिल्डर आपको पोजेशन नहीं देता है तब तक 6 साल, 7 साल के लिए वो अग्रीमेंट रहता है, और उसके बाद में भी थोड़े समय के लिए वो अग्रीमेंट लाइव रहता है। तो ये जो अग्रीमेंट लंबे समय का अग्रीमेंट है, लंबे समय के अग्रीमेंट में कुछ ड्यूटीज आपको करने पड़ते हैं और कुछ उसको भी करना पड़ता है। बिल्डर किस तरह से अग्रीमेंट लिखवाते हैं अपने वकीलों से कि सारे जो ड्यूटीज हैं वो आपके हैं, जो भी करने का है आपको करना है, और सारे जो हक हैं, जो राइट्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं वो उनके हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके तरफ, बर्डन आपके तरफ, बोझ आपके तरफ कि आप पेमेंट करोगे, हम डिमांड करेंगे तो करोगे, हम डिमांड करते ही 10 दिन में करोगे, 15 दिन में करोगे, वरना इतना पेनल्टी लग जाएगा, वगैरह वगैरह। और उनके तरफ अगर लेट हो गया तो हमको ग्रेस पीरियड मिलेगा, रेरा में जाके हमने लंबा एक्सटेंशन ले लिया तो हमको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, अगर फोर्स मेजोरे हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सीमेंट का भाव बढ़ गया, वगैरह वगैरह, तो भी हमको छूट मिलेगा। अरे सीमेंट का भाव क्या, कुछ तो अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे वो लिखते हैं, लोधा के अग्रीमेंट्स में कुछ ऐसे ऐसे ये लिखते हैं कि डॉलर अगर रूपी की तुलना में भारी हो गया, यानी डॉलर और रूपी का जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा बदल गया, और रूपी का जो डिवेल्युएशन अगर हो गया ना तो हम रेट एडजस्ट कर देंगे। अरे रूपी का डॉलर से
का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसका लोधा से क्या लेना देना है। लोधा के कॉन्ट्रैक्ट से आप घर खरीद रहे हो तो वो कहां अमेरिकन कंपनी है, या वो कहां अमेरिका से सीमेंट स्टील मंगवा रहा है कि वो एक्सचेंज रेट आपको अफेक्ट करेगा। लेकिन ऐसे ऐसे ये अग्रीमेंट में डाल देते हैं। तो ये टाइप के सारे जो अग्रीमेंट में डाले हुए जो चीजें हैं, आप इसे दो तरीके से देखते हो, दो देख सकते हो। ज्यादातर लोग देखते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, ठीक है, लेकिन ये आपको मौका भी देता है अग्रीमेंट पर वार करने के लिए, अग्रीमेंट पर चोट करने के लिए। आप अग्रीमेंट के उस पॉइंट को लेके अटैक कर सकते हो, आप वार कर सकते हो कि ये जो अग्रीमेंट है ये अनफेयर है, ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। और एक या दो ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स ले लोगे ना और उसके ऊपर चोट करोगे ना, तो पूरा अग्रीमेंट टूट के दो टुकड़े हो जाएगा, तीन टुकड़े हो जाएंगे। यानी अग्रीमेंट जो एक कॉन्स्ट्रक्ट है वो एक लीगल कॉन्स्ट्रक्ट है, और जितना वन साइडेड होता है, जितना बिल्डर ने वन साइडेड किया है, एक तरफा किया है, उतना वो कमजोर है अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट पे आप अगर जोर से चोट करोगे तो अग्रीमेंट टूट सकता है, तोड़ा जा सकता है, और ऑर्डर आपके पक्ष में आ सकता है। इतना ही नहीं, अगर वो एक तरफा अग्रीमेंट है तो आप उस एक तरफा अग्रीमेंट के जो वीक पॉइंट्स हैं, जो बुरे फैक्ट पॉइंट्स हैं उसके, जो अनफेयर है, वो सारी जो बातें हैं आप पब्लिक के सामने रखोगे तो बिल्डर की बैंड बजती है, धीरे धीरे बजती है। कोई ऐसे नहीं होता है कि एक ही दिन में उसका सारा बिजनेस चला जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे असर होता है, उसका कॉन्फिडेंस हिलता है। आप उसके कॉन्फिडेंस पे चोट कर सकते हो, उसके बिजनेस पे चोट कर सकते हो, और ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि बिल्डर का अनफेयर होना उसका हक नहीं बनता है, उसका राइट नहीं है कि मैं कुछ भी चाहूं, कुछ भी करूं, मैं कर सकता हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, और मैं किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें बांध लूं तो तुम मुझे नहीं रोकोगे, और तुम ये पब्लिक में नहीं जाहिर करोगे, पब्लिश करोगे। ये सब उसका हक नहीं है बॉस, ऐसा हक नहीं है। उसके पास आपकी चुप्पी के ऊपर कोई राइट नहीं है। तो ये सब करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको लड़ने का एक मन बना लेना चाहिए। हो सकता है कि आप डेस्परेट हो, कि आप इस सिचुएशन में चले गए हो कि आपके पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, आपको लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी है, अग्रीमेंट बिल्डर के साथ जो अग्रीमेंट है उसमें जो भी गैर कानूनी क्लॉजेस हैं, जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, या जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं, प्रूव करना तो एक और बात है, लेकिन अगर पावरफुली आर्ग्यू भी कर सकते हैं ना कि ये गैर कानूनी है, ये इनइक्विटेबल है, ये वन साइडेड है, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, इतना आप मजबूती के साथ अगर आर्ग्यू भी कर सकते हो, ये कॉमन सेंस में नहीं बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, ये डॉलर और रूपी की जो बात है लोधा अग्रीमेंट्स में, अब लेटेस्ट में है कि नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये हुआ करती थी। तो अगर आप साफ तरीके से दिखा सकते हो कि ये टाइप के अग्रीमेंट्स हैं, ये टाइप के वन साइडेड बकवास अग्रीमेंट्स ये लोगों ने बनाए हैं, आप उसको तोड़ सकते हो। और अगर वो बहुत सारे ज्यादा बिल्डर को भागने के रास्ते देते हैं, तो आप उस अग्रीमेंट को तोड़ सकते हो। कोर्ट में तो तोड़ ही सकते हो, पब्लिक की नजरों में भी तोड़ सकते हो, और आप खुद उस अग्रीमेंट का पालन न करके बिल्डर को मौका दे सकते हो कि तू मुकदमा कर मेरे ऊपर, आजा मुकदमा कर, मैं नहीं करूंगा तू कर। इस तरह से भी आप कर सकते हो, कई तरीके हैं, आप लड़ सकते हो। और एक मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूं, कई सारे इसमें अग्रीमेंट्स में लिखा जाता है कि आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाओगे, आप रेरा में जाओगे, या आप
आर्बिट्रेशन में जाओगे, इस तरह के पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो ऐसे जो क्लॉजेस हैं इसका इफेक्ट ये होता है कि वो आपके हाथ को बांध रहे हैं कि आप कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे, आर्बिट्रेशन में जाओगे, कहां नहीं जाओगे, ये आपके हाथ को बांध रहे हैं। अब आपने साइन कर दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी ट्रैक पर जाएं, आप अलग ट्रैक पकड़ सकते हो। वो कहेंगे अरे पहले आर्बिट्रेशन में आना चाहिए था। क्यों भाई, तुम कहोगे वैसे ही करना चाहिए क्या? हमारा कोई हक नहीं है? कोर्ट में जाना, रेरा में जाना, आर्बिट्रेशन में जाना, सिविल कोर्ट में जाना, कहां पे जाना, बैंक्रप्टसी कोड इन्वोक करके एनसीएलटी में जाना अगर उचित हो तो, ये सब आपके हक हैं। या पब्लिक में जाना, मीडिया में जाना, सोशल मीडिया करना, ये सारे जो हैं ये आपके अधिकार हैं। बिल्डर आपको ये नहीं बता सकता है। हाँ, ये एक और क्लॉज डालते हैं बिल्डर्स, अटेम्प्ट टू डिफेम। आपने अगर अटेम्प्ट टू डिफेम किया, हमारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जो हैं वो अगर बाहर डाले, जाहिर किया, पब्लिक में डाला, तो हम आपके अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे और आपके जो भी पैसे हैं सारे ले लेंगे, ये टाइप के क्लॉजेस डाल देते हैं। अटेम्प्ट टू डिफेम करके कोई ऑफेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। दूसरा एक वो कहते हैं कि मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आपके ऊपर किसी टाइप का मॉरल टर्पिट्यूड वाला एफआईआर हुआ, अरे भाई मेरे, अगर मैं दाऊद इब्राहिम भी हूं, अगर मैंने तुमसे फ्लैट लिया है और मैंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट किया है, तो ये मॉरल टर्पिट्यूड सर्पिट्यूड कुछ नहीं आएगा। यानी तुम कोई नहीं होते हो मुझे जज करने वाले, जज करने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है। लेकिन ये टाइप के फालतू के जो क्लॉजेस हैं, अटेम्प्ट टू डिफेम वगैरह, ये भी अनफेयर हैं, अनफेयर हैं, इलॉजिकल हैं, अनएथिकल हैं, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट आप उनके ऊपर चोट कर सकते हो, यानी वो लोगों ने वो क्लॉजेस सभी वन साइडेड क्लॉजेस डाले हैं आपको दबाने के लिए, लेकिन आप उन्हीं क्लॉजेस के ऊपर वार कर सकते हो, चोट कर सकते हो, और उन्हीं का इस्तेमाल करके आप अग्रीमेंट को तोड़ सकते हो। यानी बिल्डर समझता है कि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत अग्रीमेंट बना रहा है ऐसे क्लॉजेस डाल के, तो वो गलती है, वो क्लॉजेस उसके अग्रीमेंट को कमजोर बना देती हैं, अगर आप लड़ने के तरीके से लड़ो तो। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।